हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस और कमेंट आए हैं EWS कैटेगरी को लेकर। ये EWS सर्टिफिकेट क्या है आपका? इस बार NTA ने खुद अपने जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें भी ये जो है चीज़ लिख कर दी है कि EWS वाले जो जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ीस भी उसने कम की है, अलग से उनका रिजर्वेशन के लिए भी एक अलग से कॉलम बनाया है। तो आखिरकार ये है क्या और आप इसको कैसे बनवाएंगे और इसका फ़ायदा आपके लिए क्या होने वाला है? पहली बात, सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है आपका कि EWS सर्टिफिकेट किस किस स्टूडेंट्स के लिए, मतलब किन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बनवाना है, किसके लिए वैलिड है। तो ये केवल और केवल आपका वैलिड है केवल और केवल यहाँ पर जनरल कैटेगरी के। जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आते हैं वो EWS के जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं? नहीं, जनरल कैटेगरी के भी वो स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तभी तो इसका नाम क्या है EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे डिसाइड होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं नहीं आते हैं? तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं और उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको बनवा सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं, सबसे पहले तो फायदे जान लीजिए। इसके लिए इसका जो फायदा है वो है, सभी लोगों को पता ही होगा कि 10% रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। कहां कहां रिजर्वेशन मिलेगा? आपके स्टेट कोटा में भी मिलेगा और आपको ऑल इंडिया कोटा में भी मिलेगा। अलग से इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, मतलब EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग से सीटें, मेडिकल जो है वो कॉलेजों में अलग से सीटें, 10% सीटें अलग से बढ़ाई गई हैं। MBBS की भी, BDS की भी, BMS की भी, BHMS की भी, मतलब जितने भी आपके जो सीटें हैं उनको बढ़ाया गया है। जितने भी कोर्सेज हैं सभी की सीटों को 10% जो है वो इंक्रीज़ किया गया है आपका, ठीक है ना। अब मैं आपके लिए बता दूं, क्या केवल हम यहां पर एडमिशन लेने के लिए ही इसका यूज़ कर सकते हैं? नहीं, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप इसको जॉब में, अगर जॉब आती है तो उनके लिए अलग से आपका रिजर्वेशन होगा EWS वाले कैटेगरी के लिए, तो उसमें जॉब के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने दिनों के लिए ये वैलिड होता है? तो लगभग एक या दो साल के लिए वैलिड होता है। फिर आपको जैसे उसी तरीके से, जैसे कि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते होंगे अपनी तहसील से जाकर, तो उसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट भी क्या होता है, एक या दो साल के लिए वैलिडिटी होता है, 3 साल के लिए। तो उसको बार बार आपको बनवाना रहता है, हर 3 साल बाद या 2 साल बाद, जो भी क्राइटेरिया हो आपका, उसी तरीके से आपको EWS सर्टिफिकेट भी है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ यूज होगा? एडमिशन के लिए यूज होगा, ठीक है ना, और आपका कहाँ पर यूज होगा, और आपका जॉब में किसी में यूज होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10% सीटें जो है रिजर्व आपकी हो जाती हैं। ओबीसी एससी एसटी वाले नहीं कर सकते? नहीं, ये रिजर्वेशन के लिए है। तो ओबीसी एससी एसटी के लिए ऑलरेडी, या फिर फिजिकली जो आपके डिसेबल हैं उनके लिए ऑलरेडी ही रिजर्वेशन की अलग से प्रक्रिया जो है वो बनाई गई है, तो उनके लिए रिजर्वेशन वहाँ से मिलेगा। ये केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप बनवा सकते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं, और कौन कौन बनवा सकते हैं फिर इसके बारे में भी बात कर लेंगे। कौन कौन बनवा सकता है? तो वो बनवा सकते हैं वो सभी स्टूडेंट्स जिनकी इनकम, जिनके पूरे परिवार की इनकम 8 लाख रुपए से कम है। 8 लाख रुपए मतलब 8 लाख रुपए सालाना से कम है, मतलब पूरी जो सालाना उनका जो वार्षिक आय है हिंदी बोलूँ, या फिर जो आपका पूरे ईयर में उनके परिवार मात्र 8 लाख रुपए ही कमाता है, इससे कम कमाता है। तो आप जैसे कि मम्मी अगर काम कर रही हैं तो मम्मी की लगा के, पापा की लगा के, भाई की लगा के, बड़ी बहन की लगा के, जितने भी लोग हैं कमाने वाले उन सब की लगा कर अगर आपका ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम है तो आप EWS बनवा सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप लोग आते हैं, ठीक है ना। 5 लाख सॉरी अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपकी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप खेती करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है, तो वो आपका 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है जो किसान है उन लोगों के लिए कि 5 एकड़ से कम आपके पास ज़मीन होनी चाहिए तो आप यहाँ पर EWS में आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप अगर किसी शहर में रहते हैं या गांव में जहाँ पर भी रहते हो, अगर आपके पास कहीं पर फ्लैट है, रेजिडेंशियल फ्लैट अगर आपके पास है, तो वो रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से और इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम एक, मतलब इतना आपका होना चाहिए, मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतना है आपके पास तब भी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, इससे कम है तब तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है ही है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लैट ना होकर अगर आपके पास प्लॉट है,
खाली प्लॉट है तो वो आपका 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का ना हो, इतने तक का हो तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा का ना हो तो आप जो है EWS में आते हैं। और ये कहाँ पर होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए म्यूनसिपाल्टी में, नोटिफाई होना चाहिए म्यूनसिपाल्टी एरिया जो है आपका, ऐसी किसी म्यूनसिपाल्टी एरिया में जहाँ पर आपका इसका नोटिफिकेशन है, मतलब आपके नाम पर है, उसके कागज आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आपका प्लॉट अगर आपका अदर देन किसी म्यूनसिपाल्टी एरिया में है तो वो आपका 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब ये 1000 स्क्वायर फीट क्या है, 100 स्क्वायर क्या है, ये 5 एकड़ ज़मीन क्या है, कितनी है आपके पास कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, आप अपने किसी बड़े मतलब घर के किसी बड़े आदमी से पूछ सकते हैं, या फिर अपने घर के मुखिया जो भी हों, अपने आपके पापा हों, आपके बड़े भाई हों, आपकी मम्मी हों, किसी को भी ये इसके बारे में जानकारी होगी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे पूछ लीजिए और बात कर लीजिए कि आप इकोनॉमिकली बीकर सेक्शन में आते हैं नहीं आते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपके लिए बता दिया। और क्या होना चाहिए, अगर आप इतनी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होगी, तो बनवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। आपका आधार कार्ड लगेगा, यहाँ पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए जब आप बनवाने जाएंगे इसका, ठीक है ना। और अगर आपके पापा ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसका आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, उसकी रिसिप्ट लगानी पड़ेगी और जो भी प्रूफ आपके पास होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर ITR फाइल नहीं करते हैं तो जो TDS कटता होगा उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ना ITR कटता है, ना TDS देते हैं, ना मतलब ना TDS कटता है और ना ITR फाइल करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपके पास BPL कार्ड होगा, राशन कार्ड जो उसे कहते हैं, वो राशन कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी होगी, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए आपके पास, और आपके लास्ट 3 मंथ का ट्रांजेक्शन आपकी बैंक से, ठीक है ना, जो भी आपकी बैंक से लास्ट 3 मंथ का ट्रांजेक्शन हुआ है उसका जो है प्रूफ आपको देना पड़ेगा लास्ट 3 मंथ के ट्रांजेक्शन का। तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी है, मतलब ये कंडीशन फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। अब बात आती है कि कहाँ से बनवाएंगे, तो उसी तरीके से जैसे कि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तहसील जाकर, तो आप तहसीलदार से ये बनवा सकते हैं। और कहाँ से बनवा सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से, हर ज़िले का अलग अलग, तो आप वहाँ से जाकर बनवा सकते हैं, DM से बनवा सकते हैं, SDM से, SDO ऑफिस से, मतलब इन जगह से कहीं पर भी जाकर आप बनवा सकते हैं। आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, एक वो आता है उसका, वहाँ से आपको सीधे सीधे मिल जाएगा EWS सर्टिफिकेट का, उसको भर देना है, जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, मोहर लगाकर आपको वो दे देगा और उसके बेसिस पर आप यहाँ पर अपना एडमिशन और जॉब में कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी EWS के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की अच्छे से यहाँ पर कोशिश की है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को जो है वो हमेशा याद रहे क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। चलिए फिलहाल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और उन सभी स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करिए जो इस बार नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनके लिए ये फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।